वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाएंगे एक चिकन से बनी हुई डिश जो बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है। चलिए इसके बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो हम पहले देख लेते हैं। इसके लिए आपको चिकन की आवश्यकता है। ये करीब एक घंटा से डेढ़ घंटा आप इसको विनेगर और नमक मिला के इसको मैरिनेट करके रख दें। इसके साथ साथ आपको चाहिए प्याज का पेस्ट, व्हाइट ऑयल, कोई भी व्हाइट ऑयल आप ले लें, थोड़ी सी लहसुन का पेस्ट और थोड़ा अदरक का पिसा हुआ पेस्ट और खसखस पिसी हुई, काजू का पेस्ट, दो तीन तेज पत्ते और थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, हरी मिर्च का पेस्ट और कसूरी मेथी। चलिए बनाना शुरू करते हैं व्हाइट चिकन। व्हाइट चिकन बनाने के लिए सबसे पहले आप कढ़ाई बैठा लें और इस पे आप डाल ले व्हाइट ऑयल। और तेल को अच्छा गर्म होने दे। आप देख सकते हैं तेल अच्छा सा गर्म हो गया है। अब हम लोग इसमें ये चिकन पीसेस जो हम लोगों ने मैरिनेट करके रखा हुआ था इसको फ्राई करेंगे। इसको दोनों तरफ पलटा के अच्छा सा लाल फ्राई करके निकालेंगे। आप देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। दोनों तरफ ही मैंने इसी तरह से पलटा के फ्राई कर लिया है। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं सारे पीसेस फ्राई हो गए हैं और हम लोग पूरे सारे पीसेस को निकाल लेंगे। ये देखिए हम लोगों ने सारे पीसेस को फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम लोग दूसरा एक कढ़ाई बैठा लेंगे और उसी में इसी तेल को ही हम यूज कर लेंगे। लोगों ने कढ़ाई दूसरा बैठा लिया है और देखिए वही तेल को ही हम लोग यूज कर ले रहे हैं। तो अब समझ ही सकते हैं तेल गर्म ही है, हमको एडिशनल कोई ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम लोग आगे का प्रोसेस। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो प्याज रखे हुए थे हम लोगों ने पीस के, उस प्याज को हम लोग इस पे डाल देंगे। और इसे चला लेंगे। और इसी के साथ हम लोग डाल लेंगे जो लहसुन और अदरक का पेस्ट हम लोगों ने रखा हुआ था वो। इन सब मसालों को एक साथ कर देंगे और अच्छा सा भुनेंगे जब तक प्याज लहसुन का जो कच्चापन है वो चले नहीं जाता। दो तीन मिनट हो गए हैं इस मसाले को हमको भूनते हुए। अब ये तेल भी हल्का हल्का छोड़ने लगा है। अब इस पेस्ट पे हम लोगों ने जो हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ था उसको डाल देंगे। आप मिर्ची उतना ही प्रयोग करें जितना कि आपको तीखा चाहिए। और इसको भी हम लोग दो मिनट के लिए और भून लेंगे। दो मिनट हो गए हैं हमको मिर्ची पेस्ट के साथ इसको भूनते हुए। अब हम लोग इसमें मिला लेंगे जो खसखस का पेस्ट हम लोगों ने बना के रखा हुआ था वो। मैंने करीब एक कटोरी भर के खसखस का पेस्ट यूज किया हुआ है। और इसको भी हम लोग दो तीन मिनट भुनेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। जो बचा हुआ था उसको भी मैं हल्का सा पानी डाल के उसको भी यूज कर ले रही हूँ।
दो मिनट हो गए हैं, तो अभी हम लोग जो काजू का पेस्ट हम लोगों ने बना के रखा था उसको ऐड करेंगे और इसको मिला देंगे। साथ ही साथ हम डाल देंगे जो चिकन पीसेस हम लोगों ने फ्राई करके रखे हुए हैं वो। और इसको मिला लेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डालें। मैं एक कटोरी पानी डाल दे रही हूँ इसमें, चिकन को कुक होने के लिए पानी की आवश्यकता होगी क्योंकि ऑलरेडी चिकन फ्राइड है तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं, हल्का सा ही इसको और पकना है, तो इसके लिए मैं उतना ही पानी डालूंगी जितना कि मेरे को इस चिकन को पकाने के लिए आवश्यकता है और ये हल्की सी ग्रेवी वाली बन के तैयार होनी है। इसको अब अच्छा सा उबाल आने दें और पकने के लिए छोड़ें। जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए इसमें आप ऐड करें स्वाद अनुसार नमक। और इसको मिला लें और फिर इसको पकने के लिए छोड़ेंगे फिर, और बीच बीच में फिर ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि नीचे से ना पकड़े, क्योंकि इसमें खसखस और काजू दोनों ही हैं तो नीचे से पकड़ने का डर होता है, तो बीच बीच में इसको चलाते रहें और जब तक चिकन पक ना जाए तब तक इसको पकाएं। अब हम लोग जब तक चिकन लास्ट स्टेज हो रहा है तो इसमें हम लोग एक छोटे से उसमें पैन में या कुछ तड़के मारने वाली जो बर्तन होते हैं उसमें आप थोड़ा सा घी या फिर वाइट ऑयल गरम कर लें और इसमें आप डाल लें दो तेज पत्ते, मैंने घी का यूज किया हुआ है, आप चाहे तो इसमें वाइट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, और इसमें आप डाल लें कसूरी मेथी। और इसको हल्का सा इसको घी में थोड़ा सा भून लें और फिर आप इसको ऐड कर दें आपके चिकन में। बिल्कुल हल्का सा भूनिएगा, कसूरी मेथी बिल्कुल काला नहीं करना चाहिए, हल्का सा ही इसको हम लोगों को भूनना है। और इसको हम लोग ऐड कर देंगे कसूरी मेथी को मैंने और तेज पत्ते को घी में डालने के बाद मैंने इसमें अच्छे से मिला दिया है और मेरा चिकन भी नरम पड़ गया है। आप दबा के देख लें, जब चिकन टूटने लग जाए तो मतलब आपका चिकन डन है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी हुई है, आप इसको चावल या पुलाव रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये अब इस स्टेज पर इसको आप ढक दें 10 मिनट के लिए, आप निकाल लें और सर्व करें इसको गरम चावल के साथ या फिर पुलाव के साथ या फिर पराठे के साथ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आप घर में बनाइए और बताइए कैसा बना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और जो नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।